निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल जो कि गोंदिया से है वो यहाँ पर विधान भवन में पहुंचे और उन्होंने एक पत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपा है। उस पत्र में क्या कुछ लिखा है बात करने के लिए हमारे साथ। सर ये बताइए कि क्या कुछ पत्र में लिखा है और आप और महेश जी यहाँ पर क्यों पहुंचे? प्रसार माध्यम के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि कुछ सदस्य को डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए सेना के नेताओं ने पत्र दिया है। उस बारे में हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अनेक प्रकार के निर्णय हुए हैं उसका दाखला देते हुए इस प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन करते नहीं आता, इस संदर्भ का हमने पत्र दिया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के उसमें कहा गया है जो आपने पत्र दिया आपके पत्र में क्या अनेक संदर्भ जुड़े हैं उसमें? अरुणाचल प्रदेश का है, बाकी और भी जो संदर्भ है वो एनेक्चर में हमने जुड़े हैं, उनको सभी चीजें हमने उनको अवगत कराई है। यानी क्या मतलब कैसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जा सकता, अगर आप थोड़ा सा समझा सके दर्शकों को बाकी लोगों को? जैसे कि अभी भी इनके ऊपर में भी अविश्वास में है अपने उपाध्यक्ष के ऊपर में, और अभी जो सब स्थिति है बाकी जो अभी जो भी घटनाएं हो रही है वो सब सदन के बाहर में हो रही है, और सदन के बाहर की जो घटनाएं हैं वो सब ये जो अपने जो विधानसभा के नियम है उनके ऊपर में लागू नहीं होती। तो ऐसे समय में अगर आप लोग कोई भी यानी दबाव तंत्र में आकर के निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही नहीं है। इसके पहले अनेक प्रकार के इसके संदर्भ में याचिकाएं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय दिए है, वो सभी का हवाला देते हुए हमने उनको ये सब बात अवगत कराई है। लेकिन सर जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, आपको लगता है कि शिवसेना और खासतौर से महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है? निश्चित तौर पर अल्पमत में आ गई है। आपकी क्या मांग रहेगी, क्योंकि इस बीच अल्पमत के बीच जो कैबिनेट की बैठक हो रही है कई तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, आपको लगता है इन निर्णयों पर रोक लगा देनी चाहिए? निश्चित तौर पर रोक लगाने चाहिए। इस प्रकार की अगर स्थिति आती है कि आज अपन देख रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है, और ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण निर्णय कोई भी सरकार ने नहीं लेना चाहिए, और हमारी मांग है कि बीस ये अल्पमत की सरकार में ये सब स्थिति को देखते हुए बेहतर यही है कि मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा देना चाहिए। शुक्रिया बात करने। कुल मिलाकर जो विपक्ष के खास तौर से अगर बात की जाए जो निर्दलीय विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये दोनों की अगर बात की जाए महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल की, तो ये बीजेपी के खेमे में नज़र आते हैं, और ऐसे में इनकी तरफ से एक विधानसभा को उपाध्यक्ष को पत्र देकर जो शिवसेना मांग कर रही है कि 12 विधायकों को निलंबित किया जाए, इनका साफ तौर पर कहना है कि विधान मंडल के बाहर का विषय है, लिहाजा इस तरह का जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, ABP News मुंबई।